खबर प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां मामूली कहासुनी के बाद मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के शिखरा गांव निवासी 25 वर्षीय रंजीत पटेल पुत्र देशराज पटेल बुधवार की शाम एक निमंत्रण में शामिल होने मगराहर गांव गया था, जहां पर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद वो लोग रंजीत को बहाने से कालू सिंह के पुरवा गांव के पास खड़ंजे के किनारे ले गए और मार पीट कर गड्ढे में फेंक दिया, जिससे रंजीत को गंभीर चोटें आई। गुरुवार की सुबह गांव की महिलाएं जब शौच को निकली तो उसे गड्ढे में बेहोशी की हालत में देखा गया। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया। हालत वहां भी ठीक न होने पर उसे SRN प्रयागराज रेफर किया गया, जहां पर शुक्रवार की सुबह उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही घर में रोना पीटना मच गया। मृतक के छोटे भाई लवकुश पटेल ने शिखरा गांव निवासी अनिल पटेल पुत्र कमलेश पटेल और बिजलीपुर बनगड़वा गांव निवासी धीरेन्द्र पटेल पुत्र छोटे लाल के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।